नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ मोनिका। मंगलवार को इंदौर पुलिस ने बड़ी धूमधाम से होली खेली, जिसमें कमिश्नर राकेश गुप्ता के साथ अधिकारी और सिपाहियों ने होली मनाई। हर साल होली के दिन ड्यूटी पर रहने के कारण पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी होली नहीं मना पाते हैं, जिसके चलते होली के अगले दिन पुलिस विभाग होली मनाता है। इसी तरह के इंदौर की डीआरपी लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता सहित सभी अधिकारी और कर्मचारी होली के रंग में रंगे नजर आए। सर, आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है, शहर को शांतिपूर्ण मनाने का वादा है, पुलिस की स्पेशल होली मनाई? बिल्कुल सही है, कल मुझे लगता है कि हमारे पूरे शहर ने होली मनाई और बड़े हर्षोल्लास के साथ होली कल मनी है। और आज जब कल पूरी रात भर की ड्यूटी करने के बाद पुलिसकर्मी आज अपनी होली मना रहे हैं, बड़ी खुशी और हर्षोल्लास का माहौल मैं देख रहा हूं कि मेरे सभी कर्मचारियों के बीच में है। और होली हमेशा से ही एक खुशी और हर्षोल्लास का त्यौहार रहा है, तो आज पुलिसकर्मी भी इसको मना रहे हैं। सर, आगामी दिनों में रंगपंचमी भी एक बड़ा जत्था इंदौर शहर में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, उसको लेकर किस तरह की सुरक्षा? मुझे लगता है कि शायद देश में ही नहीं, विश्व में शायद इतना बड़ा गैर कहीं निकलती हो जो हमारे यहाँ रंगपंचमी की गैर निकलती है। तो एक बड़ी अच्छी तैयारी हम लोगों ने की है, होली एक बार हमारी खत्म हो जाए इसके बाद हम सब लोग पुनः फिर तैयारियों में जुटेंगे रंगपंचमी की। सर, ये भी बताया गया है कि इस बार बदमाशी करने वालों का कपड़े फाड़ने और फेंकने वालों के रास्ते पर भी लगेगा। इस बार अगर किसी ने बोरी गीली कर कर किसी को मारा या किसी ने अवैध हथियार लेके संदिग्ध व्यक्ति हमें दिखाई दिया, तो ये मान के चलिए कड़ी से कड़ी रासुका और अन्य सभी कार्रवाइयां उनको की जाएंगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24।